अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाय, इतना मुश्किल से कमाई थी जिज्जी जिल्लत को। देखना, जिल्लत नहीं, इज्जत कमाई थी तुम्हारी भाभी, जो लूट गया। हाँ, वही तो। तुम ना भावनाओं को जरा समझा करो। सारी इज्जत, सारा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मुंह पे काली फूस गई हमारे। हमारा तो मन करता है कि हम कहीं जाके डूब के मर जाए। सच्ची। कब? वैसे नमन, आज पूरी गलती तुम्हारी है। कितना प्यार करती है तुम्हारी माँ तुमसे, और तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको भाभी के साथ। गलत बात। हमको तो पहले ही लगता था कि मन नहीं नमन का। जो भी था पहले बता देना चाहिए था ना। अब ससुराल में कहाँ मुंह दिखाएंगे हम। बोल तो ऐसे रही है जैसे पढ़ा जाती है आप अपने ससुराल। ना तुम ना चुप रहो। जाते नहीं है तो कहाँ हुआ, ससुराल तो है ही ना हमारा। नहीं बड़ी, नमन बेटा बेटा, सबकी तरह मुझे भी पंकजा का दुख दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारे दिल का हाल हम समझते हैं। नमन बेटा, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है उसे पाने के लिए कभी भी शिद्दत से कोशिश नहीं की। जिसने भी कहा मैं सब कुछ हाँ में हाँ करता गया, पर आज समझ में आ रहा है मुझे कि इंसान अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हमारी मानो तो तुमको अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। अरे किसी मोमेंट में ना हमको एक शेर याद आ रहा है, अर्ज करते हैं। प्रेमियों से जलते हैं वो लोग जो कहते हैं प्यार श्राप होता है। प्रेमियों से जलते हैं वो लोग जो कहते हैं प्यार श्राप होता है। सच्चे आशिक के साथ कोई हो ना हो, और फरमाइएगा, सच्चे आशिक के साथ कोई हो ना हो उसका बाप होता है रे। थैंक यू पापा। अगर आप मेरे साथ हैं ना तो बस फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ की माफी और सुनैना का प्यार मैं पाके ही रहूंगा, और इन दोनों परिवार को इस रिश्ते के लिए मना के ही रहूंगा। अरे वाह, तुम भी अर्ज कर दिए, एकदम बाप पे गए हो। सबसे पहले आप अपना दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, जॉन गलत किया है उसको बराबर सजा मिलेगी, और जॉन के साथ गलत हुआ है उसको जिंदगी सुधारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन तब तक उस सबके पहले हमको ये घर में और ये परिवार में कौनो नौटंकी कौनो तमाशा नहीं चाहिए, ताकि कौनों को भी मौका ना मिले कि हमरे ऊपर हमरे परिवार के ऊपर कौनों उंगली उठाए। समझ गए सबके सब की ना है। तब तक हम उस दुश्मन को ठिकाने लगाने का इंतजाम करते हैं। बाबू साहेब की इज्जत पे जो दाग लगाया कौनों कीमत पर बचेगा नहीं, नहीं बचेगा ससुर। हे कान्हा जी, इसके पहले दोनों परिवारों की नफरत दुश्मनी में बदले, इसको ही चमत्कार कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए प्लीज।
आई जी। अरे हम तुमसे सफेद कपड़ा लपेट के ड्रामा करवाए ताकि सबके सामने तुम हमदर्दी हासिल कर सको, बेचारी बन सको, वो नहीं बन के जल्दी। अरे इतना जल्दी करो दूसरा भाई फेन बना लियो का। अरे नहीं मम्मी यार, हमारा एक ही है, वो हमारा नहीं हो सकता ना, तो उससे हम सुनैना का भी नहीं होने देंगे, बस उसी का इंतजाम करने जा रहे हैं। तुम मारने जा रही हो कौन अमन सिंह को? हाँ बताऊंगा, बताओ आपको क्या करने जा रही हो, तुम बताओ, सब पता चल जाएगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि सुनैना को हम नमन की सुहागन नहीं बनने देंगे, उसको नमन का प्यार हासिल नहीं होगा, बस यही मकसद है अब हमारी जिंदगी का। अरे कुछ ऐसा मत कर देना कि जेल में बैठ के चक्की पीसना पड़े तुमको। हे प्रभु प्लीज, को अपने जैसा खाई बना लिए हम। जय मां जगदम्बे। जय मां जगदम्बे। जय मां जगदम्बे। अब मैं आपकी पतंग और चक्री ले लूं? ये लो और इसे ना छोड़ो, इसे नहीं क्या करो, छोड़ो। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। माता रानी, बस आपसे हमारी एक ही प्रार्थना कि दोनों परिवार में सब कुछ पहले जैसा कर दो। पक्का इसके बाद आपकी सुनैना कुछ नहीं मांगेगी आपसे, बस इतना कर दो। I'm sorry पंकजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ सुनैना से प्यार करता हूँ। अरे हमारी बिटिया के साथ गुनाह हुआ है और वो गुनाह की आपको अपना बेटी, ना ही उसमें मेरी माँ का कोई दोष है और ना ही सुनैना का। इन दोनों को कुछ कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़े हैं। अरे नमन, तुम यार कोनो टेंशन ना लो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आंटी जी तुमसे बोलबे करेंगी, कहना कि तुम उनका लाडला बेटा हो ना, और तुम्हारी माँ, बस तुम ना यार सुनैना भूल जाओ, कहना कि हमको लगता है कि वो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। मैंने अपना फैसला बदल दिया है, अब मैं अपनी किस्मत से लड़ूंगा, उसे भसाने की जगह उसे पाने की कोशिश करूंगा और मौका मिलते उससे बात करूंगा। आई एम श्योर कि इस वक्त वो बेचारी बहुत परेशान होगी, सबकी बातें और सबकी डांट सुन रही होगी। और हम नमन, हमारी परेशानी का ख्याल नहीं आ रहा आपको? नमन हम घर पे मिलते हैं तुमसे। अब कोर्स याद आती है पंकज। अब बाय द वे कैसी हो तुम? आपको तो हमारी कोई भी बात याद नहीं होगी ना, लेकिन हमें याद है कि आप यहाँ रोज जॉगिंग करने आते हैं, तो सोचा चलो आपसे मिलकर एक आखिरी पैगाम दे दे आपको। आखिरी पैगाम? एक मिनट, इसका मतलब क्या?
मतलब ये अंकित साहब मेरी बात नहीं नमन सिंह, तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी है नमन सिंह। इतनी बेइज्जती और जिल्लत भरी जिंदगी हम जी नहीं सकते, लोगों के ताने सह नहीं पाएंगे, और अब तो कोई लड़का भी हमें नहीं अपनाएगा। पंकजा सिंह ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गोली चलाते देखना चाहता है क्या? पर हम तो गोली डाली ही नहीं है बंदूक में। बेइज्जती हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। रोक लो हमको पत्थर दिल इंसान। चलो मन्नू, अब तो हम मन्नू कहने का भी हक खो चुके हैं। खैर चलो नमन, हम जा रहे हैं इस दुनिया से। कभी हमारी याद आए तो बस इतना सोचकर मुस्कुरा लेना कि थी कोई बकलोल लड़की जो तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी। क्या करने वाली थी तुम? देखो देखो पंकजा, तुम मेरी गलती के लिए अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम प्लीज इतनी कमजोर मत पड़ो। देखो एक रिश्ता खत्म हो जाने से पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अगर तुम्हें 1% भी ऐसा लगता है कि मैं बुरा इंसान नहीं, तो प्लीज बस मेरी एक बात मान लो, जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल जाओ, जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करो। क्योंकि सच तो यही है कि हम दोनों का एक साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है, बड़े आए ज्योतिष कहेंगे बाबा नमन सिंह। फ्यूचर तो हम लिखेंगे हम दोनों का, बस देखते जाओ तुम। ठीक है, आपको तो हमारी परवाह है नहीं, लेकिन हमें है। अब आपने हमें अपना वास्ता दिया है तो हम जिएंगे बेइज्जती बदनामी और बेशर्मी के साथ ही सही। लेकिन आपको हमारी एक बात माननी होगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे।
आपको सुनैना से दूर होना होगा। आप ये मत सोचना कि हम जलकुड़ कर कह रहे हैं, घर में बहुत कोहराम मचा है। अगर आपने सुनैना से मिलने की कोशिश भी की ना, तो बड़े पापा पता नहीं क्या कर बैठेंगे। बस हम यहां उस लड़की को ठिकाने लगाने का बात करने के लिए आए हैं, तो तुम्हें मजाक सोच रहा है, हंसी आ रहा है? मजाक तो आपका बन गया है बाबू साहेब, सारा जग आपके हसरा है, पर हम तो जगवासी हैं। हम पर पाबंदी लगाए थे ना कि शादी होने तक रुक जाओ, अब देखो देखो क्या हुआ। उस लड़की ने शादी रोक दी। सबसे बड़ा मजाक तो ये था कि वो दूल्हा उसी लड़की के ऊपर लट्टू हो गया। सारा मुंगेर में आपका बदनामी चल रहा है सिर्फ उसके कारण। I'm sorry, पंकजा, कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ सुनैना से प्यार करता हूँ। बाबू साहब बहुत बुरा हुआ पंकजा के साथ। सब बाबा, नहीं 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 भाई साहब। जॉन कुछ हुआ उसका जिम्मेदार तुम हो। तुमको एक वो काम दिए थे उस लड़की को निपटाने का, वो तुम कर नहीं पाए। एक बार नहीं, बार बार नाकाम हुई। खबरदार, खबरदार, अगर महारानी को उसकी नाकामयाबी गिनाई तो आपकी जुबान काट देंगे। अब इन तक तुम्हारे मित्रों की गिनती में थे महारानी, इसलिए तुम हमारा असली रूप देख नहीं पाए। पर हमसे कभी इन दुश्मनी मोल लेने का गलती मत करना, वरना तुम्हारा ये चक्कू छुरी से पहले तुम्हारा भेजा को गोलियों से भर देंगे। आपका असली रूप देखा नहीं था, सिर्फ चर्चा सुने थे आपकी। गलत नहीं सुने थे हम, आप जैसे दमदार आदमी के लिए एक और दाव खेलना तो बनता है, लेकिन उसके पहले आपको उस लड़के को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि आपकी बेटी को हर बार सिर्फ वो लड़का बचाता है। नहीं, मैं सुनैना को कुछ भी नहीं होने दे सकता। तो आपको सुनैना से दूर रहना होगा, उसके लिए।
सुनैना का ही वास्ता देकर तुमको उससे दूर कर रहे हैं नमन सिंह, जिसे अपनी ताकत बनाकर हमसे रिश्ता तोड़े थे ना, उसको तुम्हारी कमजोरी बना देगी। तुम दोनों का रिश्ता तो जोड़ने नहीं देगी। आई विश तुम ठीक तो हो ना सुनैना। चल बिटिया, अब तो यहाँ से चले जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब तो सिर्फ काला शैतान ही नहीं, ये घर के सभी लोग तेरे दुश्मन हो गए हैं। कल रात जो हुआ ना बिटिया, उसके बाद तो ये घर का माहौल और भी डरावना हो गया है। अंकजा और अमोला कुछ बोल नहीं रहे, और तेरे पापा तुम सब लोग बस तुझे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कली ना, यहाँ से जल्दी चले जाना ही ठीक है। तो एक काम कर, जब तू दरवाजा बंद कर, हम लोग ना चुपके से वो खिड़की से निकल जाते हैं कि पहले कि तेरे पापा वापस आ जाए। जा 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 चला जा जा जल्दी जा बिटिया। अच्छा सुनैना,